हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल ज्ञान मस्ती में। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी फेसबुक आईडी को कैसे स्ट्रांग बना सकते हैं, वो भी विदाउट आईडी प्रूफ के। दोस्तों, आजकल लोग वेरीफाई आईडी बना रहे हैं, पर मैं आपको बता दूं, आप अगर अपनी आईडी को स्ट्रांग बना लेंगे तो वो आईडी वेरीफाई आईडी के बराबर ही होगी। आपकी आईडी ना तो ब्लॉक होगी ना डिसेबल होगी, बल्कि आप रिपोर्ट भी करेंगे तो काफ़ी जल्दी एक्शन होगा, और आप पे आईडी पे कोई रिपोर्ट करता है तो वो भी कैंसिल हो जाएगा, नज़रअंदाज हो जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम स्ट्रांग फेसबुक आईडी के बारे में ही जानेंगे। दोस्तों, आजकल लोग जो हैं वो फेसबुक वेरीफाई आईडी बना रहे हैं ताकि उन कई कारणों से उनकी जो आईडी है वो डिसेबल ब्लॉक हो जाती है, तो उनसे बचने के लिए वो लोग आईडी प्रूफ सबमिट करके बनाते हैं। पर बनाते समय क्या होता है, कई कई बार कंफर्मेशन होता नहीं है, रियल प्रूफ भी कैंसिल हो जाता है ना दोस्तों। तो इसलिए मैं आपको स्ट्रांग एफबी आईडी बनाने का ट्रिक बताऊंगा। दोस्तों, इसके अलावा एक और चीज़ बता दूं मैं, वेरीफाई आईडी बनाने के बाद भी ये देखा गया है कि लोगों की आईडी है सेल्फ पे चले जाती है या डिसेबल भी हो जा रही है, क्योंकि फेसबुक का सिक्योरिटी अपडेट होता रहता है। पर आप अगर अपनी आईडी को स्ट्रांग बना के रखेंगे ना दोस्तों, तो आपकी आईडी कभी भी ब्लॉक या डिसेबल नहीं होगी। तो आज वही चीज़ इस ट्रिक में हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी का मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि मेरे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। और साथ ही साथ लाइक कमेंट शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये ट्रिक आपको कैसा लगा। और दोस्तों, ये वीडियो पूरा अंत तक देखिएगा अगर आपको अपनी फेसबुक आईडी स्ट्रांग बनाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप अपनी फेसबुक आईडी को ओपन कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों, आप सेटिंग एंड प्राइवेसी पर जाइए। वहाँ पर दोस्तों पर्सनल इंफॉर्मेशन पर जाइए, और यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर ईमेल जो है वो आपको लिख के रखना है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा जीमेल हो, रेडीफो या याहू हो, ऐसे ही रखिएगा, पर टेम्प्रेरी मेल का कोई ईमेल आईडी यहाँ पर पुटअप नहीं कीजिएगा। उसके बाद दोस्तों, फ़ोन नंबर भी यहाँ पर ज़रूर आप इनपुट कर कीजिएगा। उसके बाद दोस्तों, तो ये दोनों ही चीज़ें आप फिलअप कर दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों, हम जाएंगे एडिट प्रोफाइल पर। एडिट प्रोफाइल पे दोस्तों, डिस्क्राइब हु यू आर, आप लिखिए कुछ ना कुछ यहाँ पर। उसके बाद ऐड वर्क हो, ऐड यूनिवर्सिटी, ऐड हाई स्कूल, ऐड यूनिवर्सिटी, ऐड योर स्कूल, हर चीज़ यहाँ पर आपको फिलअप करना है। पर दोस्तों, ध्यान रखने वाली बात एक है कि ऐड वर्क, ऐड स्कूल, इसमें आप तीन चार आप लिख के रख लीजिएगा, एक को शो कीजिएगा, दो को शो कीजिएगा, और दो तीन चार को ऑनली मी करके रख लीजिएगा। वैसे ही करंट सिटी हो, होम टाउन हो, ये सब आपको फिलअप करना है। तो एवरीथिंग जो भी है यहाँ पर आपके प्रोफाइल में, वो सब आपको यहाँ पर इनपुट करना है। इंटरेस्टेड, जेंडर, लैंग्वेज, रिलीजियस, एवरीथिंग। उसके बाद नीचे और भी है, बायो है ना, फेवरेट कोटा, ये सारे चीज़ जो है आप फिलअप कर दीजिएगा। दोस्तों, एक बात और ध्यान रखिएगा कि आप अगर होम टाउन को ओनली मी करके रखिएगा, अगर करंट सिटी को शो करते हैं तो कीजिए, पर होम टाउन को ओनली मी करके प्राइवेसी लगा के रखिएगा। दोस्तों, ये सब कुछ ओनली मी करके इसलिए कि आपको कोई प्रिटेंडिंग टू मी भी ना कर सके, क्योंकि वो आपका प्रोफाइल पूरा देख के डुप्लीकेट क्लोन नहीं बना पाएगा। दोस्तों, आप चलिए एक और चीज़ दिखा दूँ, ज़रूरी चीज़। तो एक प्रोफाइल ओपन कर लेते हैं हम। दोस्तों, अब यहाँ देखिए, यहाँ जो नीचे आपको दिख रहा है पोक, दोस्तों पोक को लोग समझते हैं कि लड़का लड़की को पोक करता है, और लड़की अगर पोक रिटर्न कर देती है, रीबैक करती है, तो वो लोग चैट करना शुरू कर देते हैं, सोचते हैं कि इंटरेस्टेड है। पर दोस्तों, यहाँ पर पोक का और भी कुछ इंपॉर्टेंस है। वो इंपॉर्टेंस ये है कि आपकी आईडी पे 150 to 200 मिनिमम आप पोक ले लीजिएगा, ताकि आपकी आईडी काफ़ी स्ट्रांग बन जाए। आप किसी की आईडी पे भी रिपोर्ट मारेंगे तो तुरंत एक्शन होगा। और यदि अगर आपके कोई आईडी पे रिपोर्ट मारता है और आपने काफ़ी सारे पोक लिए हुए हैं, तो वो कैंसिल हो जाएगा। इसलिए पोक काफ़ी ज़रूरी है, मिनिमम 150 to 200 पोक आप कीजिए। आप दोस्तों से आप पोक लीजिए, इस तरह से आप लेते रहिए पोक।
तो दोस्तों अगर ये सारी चीज़ें आप करेंगे तो आपकी आईडी, फेसबुक आईडी जो है वो काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगी, यकीन मानिए मेरा। क्योंकि काफ़ी लोग अपना बायो फिलअप नहीं करते, ईमेल नहीं करते या फिर फ़ोन नंबर नहीं देते और पोक भी नहीं लेते आईडी पे, तो जिसके वजह से उनकी आईडी कमज़ोर होती है। तो दोस्तों अगर आपने अपनी आईडी में पोक ले लिया है काफ़ी सारा, और जैसा जैसा मैंने बोला वो सारे स्टेप अगर आपने ठीक तरीके से फॉलो किए हैं, तो सिक्योरिटी अपडेट कितना भी हो जाए फेसबुक का, आपकी आईडी डिसेबल या ब्लॉक नहीं होगी, आपकी आईडी बहुत ही स्ट्रांग बन जाएगी। दोस्तों इसके अलावा अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में ज़रूर कीजिएगा, और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, और लाइक शेयर कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।